डेट श्री सुभाष चंद्र की हार 15 नवंबर 1950 और 27 अक्टूबर 2016 को इनका देहांत हुआ था। साफ तौर पर हम आज आपको लेकर आए हैं गिहार समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले सुभाष चंद्र गिहार जी की जयंती पर, जहां पर राजधानी लखनऊ में आज गिहार समाज के लिए जो उनकी भूमिका रही उसको याद करते हुए विशाल आनंद गिहार, जो कि मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश से अध्यक्ष रहे हैं, पिछड़ा समाज SC ST प्रपोज को, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की भूमिका रही गिहार समाज के लिए, क्या योगदान रहा जो आज उनको याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। विशाल जी, आज सुभाष चंद्र जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भूमिका रही, लोगों को बताएं और जानकारी दें। विक्रम जी, स्वर्गीय सुभाष चंद्र गिहार जी ने समाज सुधार का कार्यक्रम तो किया, लेकिन उसमें अपने क्रांतिकारी विचारों का को ओतप्रोत किया। क्रांतिकारी विचारधारा की इस बात के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे समाज में व्याप्त व्याधियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उसके खिलाफ उन्होंने पुरजोर आवाज़ उठाई, समाज को एक विकृत विचारधारा से निकालते हुए। क्योंकि आप स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र गिहार, आप गिहार जाति के बारे में आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है कि कंजर जाति से आते थे, और जिस समय आप नौकरी में आए, सरकारी नौकरी में, छठी नौकरी थी इनकी जब ये अभियोजन अधिकारी हुए, इससे पहले इन्होंने 5 सरकारी नौकरियों को छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ईमानदारी के परिचय देते थे, इनसे बेईमानी नहीं होती थी, इसलिए नौकरी छोड़ते रहे। और आखिरी में ये छठी नौकरी थी इनकी, अभियोजन अधिकारी के रूप में इन्होंने लखनऊ में ज्वाइन किया, तब से ये अभियोजन अधिकारी से होते हुए सेवानिवृत्त हुए, और इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया हर वक्त। आपको मैं बताना चाहूँगी, कई ऐसी घटनाएं हैं जब मैंने देखा, स्वयं अपने जीवन में उनको देखा, कि इन्होंने पैसे को किस प्रकार नकार दिया। ये हम सभी के लिए एक मिसाल है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की क्रांतिकारी विचारधारा से ही हम लोग ओतप्रोत होते, तो पता चलता है कि अगर आप दलित समाज से भी आते हैं तो भी आप ईमानदारी वफादारी का परिचय देते हुए अपने समाज का सुधार कर सकते हैं। और मैं जैसा मैं जानता हूँ, इनकी कर्मभूमि जो थी वो ज़्यादातर शाहजहाँपुर रही, जहाँ इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। वहाँ आप जहाँ, अगर आप कभी आपको विचरण करने का मौका मिले तो आप शाहजहाँपुर में टाउन हॉल एरिया घूमिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि इनकी बसाई बस्ती सन 1975 से अभी तक वहाँ सर्व समाज की बस्ती है, जिसे हटाने का प्रयास तत्कालीन इस वर्तमान जो नगर विकास मंत्री है भाजपा सरकार के, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने सिर्फ ये कह के कि उनको टाला कि हम बाबूजी को, अर्थात हम स्वर्गीय सुभाष चंद्र गिहार जी को बुला लेंगे, जबकि उनको ये नहीं पता है कि स्वर्गीय सुभाष चंद्र गिहार इस वक्त जीवन देवावसान हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार उनको डराया कि अगर आप लोग हमें हटाने का प्रयास करेंगे तो हम बाबूजी को बुलाएंगे, क्योंकि बाबूजी वो व्यक्ति थे जब इन्होंने शाहजहाँपुर के मीरानपुर कटरा में एक रेप केस हुआ था, जिसमें मास्टर साहब की 2 बच्चियों का रेप पुलिस ने थाने के अंदर किया था, तो इन्होंने इंदिरा गांधी की ट्रेन रोकी थी कुंवर जितेंद्र प्रसाद साहब के साथ मिलकर, तब न्याय मिला, उन लोगों को न्याय मिला और सभी 16 पुलिसकर्मियों को ताजीवन उम्र कैद की सजा दी गई। तो इस प्रकार के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, इन्होंने गिहार समाज के सुधार के लिए न सिर्फ राजनीतिक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, हर तरह से विभागीय प्लेटफॉर्म पे भी काम किया। विभाग से कई बार उनको नोटिस हुआ कि आप सामाजिक काम कैसे करते हैं नौकरी में रहते हुए, तो उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए उनको जवाब दिया कि मैं सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूँ अपने संविधान के अनुसार, जिसका संविधान मुझे इस बात की आज़ादी देता है कि मैं सामाजिक काम कर सकता हूँ। विशाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आज भी गिहार समाज काफ़ी पिछड़ा है, जिसको लेकर कई तरह के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1950 से पूर्व में किस तरह की भूमिका रही, क्या किया सुभाष चंद्र जी ने, और क्या बताना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? देखिए, क्योंकि गिहार समाज अभी पिछड़ा, जैसा आपने कहा, अभी बहुत बहुत पीछे है, बहुत कम गिहार समाज के लोग आपको सामाजिक एक्टिविटीज़ में एक्टिव सक्रिय रूप में दिखाई देते हैं, तो ये इसके पीछे कारण यही था कि इनके विकास के लिए जो लोग आगे आए तो बहुत गिने चुने लोगों में से एक थे। जैसे हमारे नाना जो मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से 1952 से 1967 तक पहली विधानसभा से चुने गए विधायक थे, जो गिहार समाज से आते थे, इन्होंने बहुत प्रयास किया समाज को सुधारने का, क्योंकि आज़ादी से पहले ये लोग आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी लड़े, लड़ने के बाद विधायक बने 1952 की पहली विधानसभा में, उसके बाद 1967 तक लगातार विधायक रहे। कल्पनाथ राय के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस के साथ देश को मजबूत करने का प्रयास भी किया, प्रदेश को मजबूत करने का प्रयास भी किया और गिहार समाज को मजबूत करने का प्रयास भी किया। इसी परंपरा को चलते हुए स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र गिहार ने भी जब अपने व्यक्तिगत जीवन में
स्टूडेंट लाइफ से, जब वो आजमगढ़ से पहली बार बनारस पढ़ने आए तो बनारस पढ़ने के दौरान ही उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम शुरू कर दिया। उनको विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बरेली में आए तो बरेली में उन्होंने देखा कि इस समाज की महिलाएं, गिहार समाज की महिलाएं कुछ गंदे घिनौने कार्यों में लिप्त थी, जिनको निकालने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। तत्कालीन समाज कल्याण जो विभाग की अधिकारी थी उनसे संपर्क साधा, उनके माध्यम से पीएससी का प्रयोग करते हुए उन महिलाओं को गंदे घिनौने कार्यों से निकाला, उनको सिलाई मशीन बटवाई, जिसके लिए उन्हें कई बार जानलेवा हमलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग समाज को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे, तो इस समाज की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे, उन्होंने उनको रोकने का बड़ा प्रयास किया। परंतु क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए डरे नहीं। स्वामी विवेकानंद के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि बलि हमेशा बकरे की होती, शेर की नहीं होती, तो शेर की तरह दहाड़ते रहे, अपने ताजीवन वो शेर की तरह दहाड़े, और अंतिम समय में भी हम सबको ये शिक्षा दी कि जब तक जिए अपने समाज के लिए जिए, अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा अपने समाज को समर्पित करिए। विशाल जी, क्या आप क्या किस तरह से इनकी विचारधाराओं को बढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं अपने समाज के लिए, बड़ा कदम किस तरह का उठाने वाले हैं? देखिए, सन 2007 के बाद जब पहली बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाई तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने जी। और हमारे स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र गिहार जी ने उस वक्त एक ज्ञापन सौंपा माननीय अखिलेश यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने उस ज्ञापन पे कार्रवाई करते हुए, हमारी एक मांग थी कि हमारे जो जाति का नाम कंजर शब्द से पुकारा जाता है और भारत की उत्तर प्रदेश सरकार की जाति की सूची में कंजर शब्द से अंकित है जी। तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, पिताजी ने हमारे स्वर्गीय सुभाष चंद्र गिहार जी को ज्ञापन दिया, तो उसमें ये मांग हमारी थी जो पिछले कई सालों से हमारी मांग रही है कि कंजर की जगह गिहार शब्द का प्रयोग किया जाए, कंजर या गिहार लिखा जाए, कंजर के स्थान पर गिहार लिख दिया जाए, जिसकी संस्तुति करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने उसकी संस्तुति करते हुए केंद्र सरकार को भेज दिया था। लेकिन क्योंकि केंद्र में विरोधी सरकार है जिसकी विचारधारा दलितों के विरोध में है, तो वो कभी ऐसे फैसले लेने से बचते हैं, उन्होंने इस फाइल को आरजीआई भेज दिया और सर्वे में लटका दिया। पिछले 2012 से फाइल तब से लंबित है, और क्योंकि अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो अब मेरा विचार है, हमारा व्यक्तिगत विचार रहा कि क्योंकि हमारे पिताजी का एक अधूरा सपना है कंजर की जगह गिहार कराने वाला, और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संस्तुति की, तो मैंने अभी बिल्कुल तत्कालीन में मिशन सुरक्षा परिषद के बैनर तले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, उसका सक्रिय सदस्य बना और अपनी दावेदारी जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से प्रस्तुत की है, जिसके लिए मैं वहां से प्रत्याशी के लिए अपनी जो दावेदारी प्रस्तुत कर चुका हूं। और मेरा वही विचार है जो मेरे पिता का था कि अगर सरकार आती है, हम विधानसभा में पहुँचते हैं, तो कंजर की जगह गिहार करा के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर अपने समाज के लिए बड़ा कदम उठाने वाले सुभाष चंद्र गिहार की आज पुण्यतिथि है, और जिनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, उनको याद भी किया जा रहा है, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो अपने समाज के लिए बड़ा काम है, जिसके लिए उन्होंने, विशाल जी ने बताया कि साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक ज्ञापन सौंपा था जहाँ पर केंद्र में वो फाइल गई, लेकिन अभी तक उस फाइल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर ये सदन में आते हैं तो उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, कंजर की जगह गिहार जो सम्मानित नाम है उसको दिलाने का गिहार समाज को काम करें। कई काम को बताया कि आखिर किस तरह से देश की आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका रही सुभाष चंद्र गिहार की, उसको लेकर आज भी उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम गिहार समाज के नेता विशाल आनंद गिहार कर रहे हैं। सहयोगी गिरजेश के साथ कार्यक्रम।